किसान भाई नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा पशुधन। मेरा नाम है संदीप सिंह। आज मैं आपको लेके आया हूँ राजस्थान के सीकर ज़िले के एक शानदार डेयरी फार्म पर, जो कि आर्मी रिटायर्ड ऑफिसर हैं जिसके ओनर, और यह गांव है रसितपुरा। तो इस डेयरी फार्म के बारे में मैं आपको सारी की सारी जानकारी आज देने वाला हूँ, और जानेंगे हम कि क्या कारण है इस डेयरी फार्म के सक्सेस होने का। दोस्तों, ये काफ़ी पुराना डेयरी फार्म है जिसमें कि आज 90 HF नस्ल की गायें हैं, और यहाँ पर मंथली जो टर्नओवर होता है इनका पैसे का, वो होता है 9 लाख रुपए। 9 लाख रुपए कुल इसकी इनकम होती है दूध को सेल करके, और बचत की अगर हम बात करें तो इस डेयरी फार्म पर कुल 4 लाख रुपए की मंथली इनकम होती है, जो कि अच्छा खासा इसे हम एक बेनिफिट मानेंगे। और क्या कारण है इस डेयरी फार्म के सक्सेस होने का, और हर एक डेयरी फार्म के सक्सेस होने का वही कारण होता है। तो सबसे जो एक महत्वपूर्ण चीज़ होती है पशुओं की डाइट, और पशुओं की डाइट में भी खास कर करके उनका दाना। तो कौन सा दाना आप खिला रहे हो, कौन सी फीड आप यूज़ कर रहे हो अपने डेयरी फार्म पर, वो काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है आपके पशुओं की हेल्थ पर, उनके समय पर हीट में आने पर, उनके स्वास्थ्य में। तो आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ एक बहुत ही शानदार फीड के बारे में, और इस डेयरी फार्म पर कई दिनों से वही फीड यूज़ किया जा रहा है। और जैसा कि मैंने आपको दिखाया था कि एक हंस डेयरी फार्म का वीडियो भी हमने बनाया था, तो उस पर भी काफ़ी बड़ा हाईटेक वो डेयरी फार्म है, उसमें भी यही फीड का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस फीड के जो ओनर हैं, ये न्यूट्रीमैक्स कंपनी का फीड होता है। न्यूट्रीमैक्स एग्रोवेटेक कंपनी है, उनके जो हमारे साथी हैं, उसके डिस्ट्रीब्यूटर आप उनको कह सकते हैं, वो हैं सतपाल जी। तो उनका नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मैं अवेलेबल करवाऊँगा, और कमेंट में भी आपको मैं दे दूंगा, तो आप उनसे कॉन्टेक्ट करके ये फीड खरीद सकते हैं। फीड का दोस्तों ऐसा होता है कि आप जो भी फीड इस्तेमाल करें, वो लगातार आप एक ही तरह का फीड इस्तेमाल करें। यह नहीं कि आप बार बार अपने पशुओं का फीड चेंज कर रहे हैं, इससे उनको खाने में भी प्रॉब्लम होंगी, और काफ़ी दिनों तक अगर वो इसको खाते नहीं हैं तो उनके दूध पर भी काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। और डेयरी फार्म के सक्सेस होने की जहाँ तक हम बात करें, वो काफ़ी छोटे छोटे बिंदु होते हैं जिन पर हम फोकस नहीं करते। सबसे पहली बात कि जब हम पशु खरीद के लाते हैं, तो हम उन्हें अपने हिसाब से डालने की कोशिश करते हैं, उनको अपने हिसाब से हम चलाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि उनको एक जगह ला के बांध देते हैं और उनसे हमको सिर्फ दूध चाहिए। दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। आप यहाँ पर देखें, पशुओं को खुला रखा गया है, उनकी मर्जी के हिसाब से वो घूम रहे हैं। उनको अगर प्यास लगेगी तो वो पानी पियेंगे, अगर उनका मन बैठने का होगा तो वो बैठेंगे, उनका मन अगर फर्श पे बैठने का होगा तो वो इस पे बैठेंगे, नहीं तो वो कच्चे में बैठेंगे। तो उनके हिसाब से उनको रखा जाता है, जिससे कि उनकी हेल्थ, चाहे आप उन्हें डाइट कितनी दे रहे हो उसका फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप पशुओं खुश नहीं हैं आपके साथ में या फिर आपके डेयरी फार्म पर, तो वो कभी भी अपने पीक पॉइंट पर नहीं पहुँच पाएगा। तो चलिए मैं आपको इनका सबसे पहले फीड दिखा देता हूँ कि ये कैसा फीड है। तो ये देखें आप, मिल्क एक्सेल है न्यूट्रीमिक्स का, जो कि दुधारू पशुओं को दिया जाता है। काफ़ी सॉफ्ट फीड ये बनाई जाती हैं, जो कि पशुओं को खाने में कोई भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। दोस्तों, अगर आप डेयरी फार्म शुरू करते हैं तो बहुत ही कम पशुओं से आप शुरुआत करें। कम पशुओं से अगर आप शुरुआत करेंगे तो उनका दूध आप बेचें, आपको पता चल जाएगा कि आपको इसमें बेनिफिट हो रहा है या नहीं। अगर आपको बेनिफिट लगता है तो आप अपने डेयरी फार्म को आगे बढ़ा सकते हैं, और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों को जानकारी पसंद आई होगी, आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। नंबर आपको मैं नीचे दे दूंगा, तो आप उनसे कॉन्टेक्ट करके फीड खरीद सकते हैं। बहुत ही शानदार फीड मेरे को लगा, जो कि मैंने आसपास के किसानों से उनका जो अनुभव है वो भी जाना है इस फीड के बारे में। तो डेयरी फार्म जब सेटल होता है तो आप अपर लेवल का कुछ ना करें, आप सिर्फ उसको अच्छे से चलाएं, आप जरूर सक्सेस होंगे।